ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, कभी ना गिरना कमाल नहीं बल्कि गिरकर संभल जाना कमाल है। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं बल्कि किसी के दिल में जगह बनाना ही कमाल है। आज की तारीख 15 अक्टूबर 2020, आज का वार गुरुवार। आज पुरुषोत्तम मास का 28वां दिवस है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 8:33 सुबह तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी 4:52 अगले दिन सुबह तक रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 15 अक्टूबर 2020 के सूर्योदय का समय रहेगा 6:22 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 5:51 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 5:31 अगले दिन सुबह और चंद्रास्त का समय 5:11 शाम को रहेगा। आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 5:58 शाम तक है। इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज की सूर्य राशि है कन्या, आज की चंद्र राशि कन्या है। आज का पहला कर्ण वणिज 8:33 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण विष्टि 6:45 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद शकुनी कर्ण 4:52 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आइए जानते हैं आज के कर्ण के विषय में। वणिज यह एक प्रकार का सामान्य फल प्रदान करने वाला चर समय है। विष्टि यह एक प्रकार का सबसे अधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला चर समय है। कोई भी नया काम इस कर्ण में ना करें। कुछ धार्मिक कार्यों में भी इस समय को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है और त्याग दिया जाता है। आज का योग ब्रह्म 10:21 सुबह तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा जो 6:08 अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा। आइए जानते हैं आज के ब्रह्म योग के बारे में। यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो यह योग अति उत्तम है और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो यह योग विशेष रूप से सफलता प्रदान करता है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ब्रह्म योग में पैदा हुए लोग बहादुर और साहसिक कार्य करने वाले होते हैं। आप आध्यात्मिक पुस्तकों में रुचि रखने वाले धार्मिक व्यक्ति होते हैं। आप पवित्र शिक्षाओं और धार्मिक शास्त्रों के बारे में विश्वास रखते हैं। आइए जानते हैं आज के दिशाशूल के विषय में। आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है। इसके निवारण के लिए घर से दही खाकर प्रस्थान करें। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाता है। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:44 सुबह से 12:30 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:02 दोपहर से 2:48 दोपहर तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:42 सुबह से 5:32 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज के शुभ समय में अमृत काल 11:35 सुबह से 1:00 दोपहर तक रहेगा। आज के अशुभ समय में आज का राहु काल 1:33 दोपहर से 2:59 दोपहर तक रहेगा। यमगंड काल का समय 6:22 सुबह से 7:48 सुबह तक रहने वाला है। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। राहु काल क्या होता है? राहु काल स्थान और तिथि के अनुसार अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक वार को अलग अलग समय में ये शुरू होता है। यह काल कभी सुबह, कभी दोपहर तो कभी शाम के समय में आता है।
लेकिन सूर्यास्त से पूर्व ही पड़ता है। राहु काल की अवधि दिन के आठवें भाग के बराबर होती है, यानी राहु काल का समय लगभग 1.5 घंटा 90 मिनट होती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु को छाया ग्रह माना गया है, यह ग्रह अशुभ फल प्रदान करता है। इसके लिए इसके अधिपत्य का जो समय होता है उस दौरान शुभ कार्य करना मना है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में से आठवें भाग का स्वामी राहु होता है, इसे ही राहु काल कहते हैं। यह प्रत्येक दिन 90 मिनट का एक निश्चित समय होता है जो राहु काल कहलाता है। राहु काल दिनमान के आठवें भाग का नाम है। राहु काल का समय किसी स्थान के सूर्योदय और वार पर निर्भर करता है। मित्रों, ये थी जानकारी राहु काल के विषय में। आने वाली कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार रहेंगी। 15 अक्टूबर गुरुवार को मासिक शिवरात्रि, 16 तारीख को शुक्रवार अश्वनी अमावस्या, दर्श अमावस्या और पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2020 के दिन का चौघड़िया इस प्रकार रहेगा। शुभ समय 6:21 सुबह से 7:48 सुबह तक। चर समय रहेगा 10:40 सुबह से 12:06 दोपहर तक। लाभ का समय 12:06 दोपहर से 1:32 दोपहर तक रहेगा। अमृत काल का समय 1:32 दोपहर से 2:58 दोपहर तक रहने वाला है और इसके बाद शुभ समय 4:25 शाम से 5:52 शाम तक रहेगा। इन दिए गए समय में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू किए जा सकते हैं, विशेष रूप से फलदायी होते हैं। आइए जानते हैं आज के रात का चौघड़िया। अमृत समय 5:51 शाम से 7:25 शाम तक रहेगा। चर समय 7:25 शाम से 9 बजे शाम तक रहेगा। लाभ का समय 12:06 मध्य रात्रि से 1:40 मध्य रात्रि तक रहेगा। शुभ का समय 3:14 अगले दिन सुबह से 4:47 सुबह तक रहने वाला है। अमृत काल का समय 4:47 अगले दिन सुबह से 6:21 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।